अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। येलो फीवर वैक्सीन, इसके बारे में आज मैं बताऊंगा। अफ्रीका में कहीं भी जाना हो आपको, चाहे वो वेस्ट अफ्रीका हो या ईस्ट अफ्रीका, तो येलो फीवर वैक्सीन लगाना ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पे मोरिटानिया जाना है या फिर नाइजीरिया, कॉन्गो, तंजानिया, किधर भी, तो बिहार में सिर्फ एक जगह पर लगता है येलो वैक्सीन, येलो फीवर का वैक्सीन सिर्फ एक जगह पे, और वो जगह ये एम्स पटना का। यहाँ पे आना है पटना एम्स में और रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फीस है 30 रुपया। रजिस्ट्रेशन की खिड़की खुल जाती है 8 बजे करीब, और वैक्सीन की फ़ीस है 300 रुपये। कोशिश करेंगे चेंज लेकर आएँ, और सबसे पहले ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर आपको बिलिंग के लिए जाना है। बिलिंग का 300 रुपया वो काउंटर में अंदर जाके दिखाऊंगा, और वो देने के बाद फिर अंदर जो उसका डिपार्टमेंट है वैक्सीन का, वहाँ जाना है और पेपर सबमिट करने के बाद इंतज़ार करना है। वो टाइम देगा 11 बजे, 10 बजे, 11:30 का आमतौर पर 11:30 बजे आकर फिर वैक्सीन लेना है। ये एम्स है OPD, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, पटना, जो फुलवारी शरीफ में लोकेटेड है। ये इसकी मेन बिल्डिंग है, इसमें आना है आपको येलो फीवर वैक्सीन के लिए। और ये वैक्सीन लगने के बाद सर्टिफिकेट भी इशू करेंगे, जिस सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप अफ्रीका में ट्रैवल कर सकते हैं। ये राइट साइड में अमृत जो है वो मेडिसिन फार्मेसी के लिए, ये मेन बिल्डिंग है अभी। लेफ्ट साइड में इधर रजिस्ट्रेशन के लिए है, देखें रश काफ़ी रहती है यहाँ पे। यहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन करना है काउंटर नंबर 6 से। काउंटर नंबर 6 येलो फीवर के लिए है। काउंटर नंबर 6 येलो फीवर। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स वो ओरिजिनल पासपोर्ट मांगेगा, और वहाँ पे जब रजिस्टर्ड हो जाए उसको वो 30 रुपये लेंगे रजिस्ट्रेशन फीस। और फिर यहाँ पे आके और एक फाइल देंगे, एक ग्रीन फाइल देख रहे होंगे लोगों के हाथों में, उसके बाद फिर यहाँ पे आके पेमेंट करनी है। यहाँ पे पेमेंट होगी, उसके लिए फिर क्यों में लगना है, पेमेंट करना है। उसका वैक्सीन का 300 रुपये वैक्सीन की फीस। पेमेंट करने के बाद फिर यहाँ पे OPD सर्विसेज इसके अंदर जाएंगे। लेफ्ट साइड में ये वैक्सीन का दिख रहा है, वैक्सीनेशन एंड आउट। अब इस साइड में ब्लॉक GA,
ये वाला डिपार्टमेंट है येलो फीवर वैक्सीनेशन सेंटर का, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग टेस्टिंग सेंटर, और इसके लेफ्ट में यह येलो वैक्सीनेशन सेंटर, यहाँ पर ये डॉक्टर्स बैठे हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स इधर जमा हो गए और वो फिर कॉल करेंगे वैक्सीन के लिए। वैक्सीन हो गई मेरी और अब मैं वापस जा रहा हूँ। ये फाइल है जो हॉस्पिटल से मिलती है और इसके अंदर ये रहा वैक्सीन सर्टिफिकेट। ये वैक्सीन सर्टिफिकेट है पासपोर्ट के साथ। ओके, 8 बजे आया था और 12 बजे यहाँ से निकल रहा हूँ। तकरीबन 12 घंटे रहेगा और तकरीबन 3 घंटे बसकर 3 से 4 घंटे। जितनी जल्दी आके लाइन लगाएंगे उतना फ़ायदा होगा। मेरा नंबर 2 था, जल्दी से हो गया। अब यह है कि मैं वैक्सीन यहाँ पे बनाते हैं उसके बाद फिर लगा देते हैं। रश थी तकरीबन 25 लोग रहे होंगे ऑलमोस्ट वैक्सीन के लिए, और ये सारे इंटरनेशनल ट्रेवलर हैं जो अफ्रीका के किसी न किसी कंट्री में जा रहे हैं। और अब मैं यहाँ से वापस अपने घर जा रहा हूँ।